चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइलस। इसमें प्रोसेसर ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा रिक्त स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। नंबर में प्रोसेसर, इनपुट, डेटा। इसमें डेटा ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एटीएम क्या होते हैं? बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने, ये सभी। बिना स्टाफ के नकदी देने, ये वाला ऑप्शन सही है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन है? ऑप्शन है, मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट अथवा ALU। इसमें ऑप्शन नंबर 3, कंट्रोल यूनिट सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, डेटाबेस में रिक्त स्थान फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ऑप्शन है, नेक्स्ट की, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। इसमें न्यूमेरिक ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को रिक्त स्थान कहते हैं। आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, गणना। इसमें इनपुट ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है, पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज या सीपीयू। सीपीयू इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर सीपीयू द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन या डेटा आकलन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसमें ये ऑप्शन सही है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है, डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन अथवा डेटा आकलन। तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है, डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन अथवा डेटा आकलन। इसमें ऑप्शन डेटा आकलन, ये वाला ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को या तीनों ऑप्शन सही है, ABC। तो फ्रेंड्स, इसमें
सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर चार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डाटा को, या ये सभी। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप या एएलयू। तो ऑप्शन इसमें एएलयू, ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ईडीपी क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू क्या होता है? ऑप्शन है कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये वाला ऑप्शन का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट अथवा उपयोग सभी। तो फ्रेंड्स एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर 1 सही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सीपीयू निम्न में से क्या है? ऑप्शन है चिप, बॉक्स, सर्किट अथवा पेरिफेरल। तो फ्रेंड्स इसमें चिप, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है आंकिक, तार्किक, डेटा संग्रह अथवा ये सभी। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, इसमें सभी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है सीपीयू, मॉनिटर, मॉडम, सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल। बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है सीपीयू, ये ऑप्शन नंबर सी, ये वाला हमारा सही है।